नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की थड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, इंडिया जीके की जो सीरीज़ हमने चालू की है, जिसमें हम हज़ार से ऊपर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके भाग दो में आज हम प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने भाग एक को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अगला जो आज का सेक्शन हमारा उसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट्स को सबसे पहले और सबसे जल्दी पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1936 में बना हुआ कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव कहाँ पर है? वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में, केरल में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। बुक्सा बांध परियोजना कहाँ पर है? बुक्सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल में यह परियोजना है, बुक्सा बांध परियोजना। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है और 94 इनकी संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लें। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन अभयारण्य सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। ठीक है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर है? यह राजस्थान में है, यह बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार में सिमलीपाल अभयारण्य। ओडिशा में सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किब्बुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किब्बुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर है? गिर का वन गुजरात में प्रसिद्ध है, यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लेह जनपद में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, साउथ बटन सबसे छोटा, बटन होता है सबसे छोटा, तो साउथ बटन सबसे छोटा। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? पैंच महाराष्ट्र में सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। डाची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में है? डाची ग्राम अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए जाना जाता है, एक सिंह का गैंडा, उसके लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार पड़ता है। मानस पशु विहार कहाँ पर है?
आसाम में मानस पशु विहार है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और अगर कोई सजेशंस हो इसको इम्प्रूव करने के तो वो भी हमें जल्दी से जल्दी बताइए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा।